दोस्तों, मेरा नाम मकसूद हसन है। आपका स्वागत है केरला इंटीरियर्स में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि मॉड्यूलर किचन कैसे बनाते हैं और मॉड्यूलर किचन में क्या क्या लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बनाया हमने लॉफ्ट। ये लॉफ्ट बनाया है, इसमें हमने ये डोर लगाए हैं। ये ऑटो क्लोज हिंचेस लगाया है, लेकिन इसमें आप सॉफ्ट क्लोज भी लगा सकते हैं। और सॉफ्ट क्लोज लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्लाइंट हमारे ये थे, इनका बजट थोड़ा कम था, तो ये बोले सॉफ्ट क्लोज नहीं चाहिए मेरे को, हमें ऑटो क्लोज लगा दो। तो हमने ऑटो क्लोज हिंचेस लगा दिया इसमें। अच्छा, इसमें जो हमने बैक साइड में यूज़ करा है वो प्लाईवुड यूज़ करा है, और नीचे जो बैक साइड में यूज़ किया हमने वो मल्टीवुड यूज़ किया है। मल्टीवुड यूज़ करने से क्या है, इसमें जो मॉइस्चराइजर आता है, जो कीड़ा होता है, दीमक या कुछ भी है, जो इसमें अटैक नहीं करेगा नीचे। लेकिन हम मल्टीवुड ऊपर लगाएंगे तो इसमें जो है हम स्क्रू लगाते हैं तो इस ये बॉक्स जो है नीचे आ जाएगा। इसकी मल्टीवुड की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो हमने बैक साइड में भी इसके लैमिनेट लगाया है ताकि मॉइस्चराइजर नहीं आए, दीवार से गीलेपन नहीं आए। और उसके बाद में हमने प्लाईबोर्ड, फिर उसके बाद माइका, फेविकॉल यूज़ किया ज़्यादातर इसके लिए। फेविकॉल से जो है वो उसकी पकड़ ज़्यादा होती है। कुछ लोग हिटैक्स भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन हिटैक्स यूज़ हम लोग नहीं करते, क्योंकि हिटैक्स यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। हिटैक्स में जो है वो केमिकल इस तरीके का होता है कि वो कुछ टाइम के बाद बबल्स दे देता है, निकल जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और यहाँ पर हमारा डोर आएगा। ये हमने बास्केट, क्लाइंट ने बोला था दराज बना दो, ड्रावर बना दो, तो हमने ड्रावर बना दिया है। लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, पहले प्लेन बास्केट होता है, उसके बाद में प्लेट बास्केट होता है, उसके बाद में हम कटलरी यूज़ करते हैं। तो तीनों हम एक ही साथ यूज़ करते हैं, मगर इन्होंने बोला क्या हमारा पहले वो लगा दो, हमारा बजट ज़्यादा नहीं है, तो ड्रावर बना दिया हमने इसका। उसके बाद में हमने दरवाज़ा लिया है। दरवाज़ा जो है इसका भी जो है काम चल रहा है, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, दरवाज़ा लगेगा इसमें, बना के हमने सब रख दिए हैं। जब ये फाइनल होगा तो हम इसकी भी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, जिसका नाम केरला इंटीरियर्स है। अगर आपको हमारा चैनल ये अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तो क्योंकि ऐसी वीडियो हम रोज़ डालते रहते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, इसमें जो हमने यूज़ किया है टॉप में वो मल्टीवुड है, और नीचे जो यूज़ किया है इधर वो भी मल्टीवुड है, और बैक साइड में मल्टीवुड है। और ये जो वर्टिकल लगाए हैं हमने, ये हमारे हैं प्लाईवुड के, क्योंकि इस पर हम अगर मल्टीवुड यूज़ करते हैं तो इसमें डोर जो है वो जल्दी निकल जाता है, हिंचेस ज़्यादा पकड़ता नहीं है, इसलिए हमने वो यूज़ किया है प्लाईवुड। डोर भी बना के रख दिए हैं इसके। और ये कॉर्नर है, इसका भी अभी काम चल रहा है, इसलिए अभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसकी वीडियो हम आगे बना के डालेंगे, ठीक है। और ये GTPT लगाया हमने इधर पे, और इसके बाद में अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद और वीडियो डालेंगे हम, तो आप देख लेना, इसकी पूरी जानकारी देंगे। और ये दराजे बना के रखी है हमने, और अभी कुछ हमारे कारपेंटर लोग आए नहीं है, कुछ टीम अभी रास्ते में है, आ रही है, तो जब इस जैसे इसका काम ख़त्म होता है एकदम तुरंत वीडियो डालेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर भी कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू।